जैन साथियों नमस्कार, मैं नितीश चंद्र आप सभी के समक्ष उपस्थित हो चुका हूं एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के। रेलवे की तरफ से ये अपडेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, और ये आरआरबी की ने जारी किया है, यानी कि CEN02/2024 जो कि आपको टेक्नीशियन की भर्ती से संबंधित है उसके रिगार्डिंग एक नोटिस है यहाँ पर। और ये नोटिस किसके लिए है तो आप देख सकते हैं, इसका सब्जेक्ट है एक्सेस फॉर अपलोडिंग प्रॉपर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। यदि किन्हीं भी कैंडिडेट्स का फोटो या सिग्नेचर के कारण एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की अवस्था में है तो रेलवे ने उनको एक और मौका दिया है जिसमें कि आप अपने फोटोग्राफ्स और अपनी सिग्नेचर को फिर से अपलोड कर सकते हैं और अपनी फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे। पहला पॉइंट है द फोटो सिग्नेचर ऑफ अ फ्यू एप्लीकेंट्स अगेंस्ट CEN 02/2024, यानी कि कुछ एप्लीकेंट्स का, कुछ अभ्यर्थियों का जो है इस विज्ञापन में टेक्नीशियन ग्रेड वन सिग्नल एंड वेरियस कैटेगरीज ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड थ्री इज नॉट एज पर स्टैंडर्ड, यानी आपको टेक्नीशियन ग्रेड वन का भी कुछ डायरेक्ट वैकेंसी इस बार है और टेक्नीशियन ग्रेड थ्री का जो है उसमें स्टैंडर्ड के मुताबिक काफ़ी सारे लोगों का नहीं है। क्या क्या, तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर। दूसरा पॉइंट क्या है, टू अवॉइड रिजेक्शंस ऑफ एप्लीकेशंस नाउ दीज एप्लीकेंट्स आर हियर बाय गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपलोड द फ्रेश पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एज पर स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, यानी रिजेक्शंस से बचने के लिए इन अभ्यर्थियों को एक मौका यहाँ पर दिया जा रहा है जिसमें कि वह पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर को जो भी रेलवे का स्टैंडर्ड है उसके अनुसार आप फिर से अपलोड कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे है द ईमेल और एसएमएस विल बी सेंड टू ऑल सच एप्लीकेंट्स ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। सारे अभ्यर्थियों को ईमेल आईडी और एसएमएस के जरिए यह सूचना दे दी गई है। अगला देखिएगा, चौथा पॉइंट है द एप्लीकेंट्स नीड टू लॉग इन द वेबसाइट, इस वेबसाइट पर आपको लॉग इन करना है विथ दियर यूजर क्रेडेंशियल्स, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा और पासवर्ड होगा उसके साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन ए लिंक विल अवेलेबल टू अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, लॉगिन करने के बाद आपको लिंक वहां पे मिल जाएगा। और ये कब से कब तक आप कर सकते हैं, तो लिंक विल बी अवेलेबल फ्रॉम 3 जून, यानी कि 3 जून 2024 से ये अवेलेबल होगा और 7 जून 2024 तक 11 बज के, यानी कि 3 जून को ये 12 बजे रात में शुरू होगा और 7 जून तक 4 दिन तक आप 12 बजे रात के ठीक पहले यानी 11:59 रात्रि तक आप इसको ठीक कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, छठा पॉइंट, इट मे बी नोटेड डैट इफ एनी एप्लीकेंट्स फेल्स टू अपलोड प्रॉपर फोटो एंड सिग्नेचर बाय 7 जून 2023 यानी 23:59 पर, यदि 7 जून तक आप अपलोड इसको नहीं करते हैं विल रिजल्ट इन ऑटोमेटिक रिजेक्शन ऑफ हिज या हर एप्लीकेशन एंड नो फर्दर कॉरेस्पोंडेंस विल बी एंटर्ड ऑन दिस अकाउंट, यानी कि अगर आप इस समय सीमा के अंदर अपने एप्लीकेशन में सुधार नहीं करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा और आपको फिर से कोई मौका नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू द वेबसाइट ऑफ आरआरबीज फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्लीज़ डू नॉट मिसलीड बाय अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेस। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो केवल और केवल आपको आरआरबीज के वेबसाइट से ही प्राप्त करना है, अदर साइट्स से कहीं भी आपको मिसलीड नहीं होना है। और ये सूचना कब के डेट में जारी की गई है, तो कल यानी 28 मई के डेट में यह सूचना जारी की गई है। और इसी के साथ साथ आपको मैं बता दूँ कि ये टेक्नीशियंस का हमने बताया, इसके अलावा आपको ALP के फॉर्म में भी सुधार की प्रक्रिया जारी है, ALP के फॉर्म में भी सुधार की प्रक्रिया जारी है। और निश्चित तौर पर आप एक बार फॉर्म सुधार कर लेंगे तो कुछ ही दिनों के बाद जून या जुलाई में शायद ALP की परीक्षा CBT 1 संभावित है, तो परीक्षा आपको जून जुलाई अगस्त तक में भी शुरुआत होता दिखे। ऐसे ही अन्य अपडेट्स के लिए हमारे चैनल चंद्रा ट्रिकी GS के साथ बने रहें। मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।